से हम गांव में आए हैं, हम नहाते ही चले जा रहे हैं। हमको लगता है अगर हम यूं ही नहाते रहे ना तो हमारी आधी जिंदगी नहाने में ही चली जाएगी। आयो दादा, तो आपसे कौन कहता है कि आप इतनी बार नहा लो? कौन कहता है? अरे तुम्हारी बेटियां कहती नहीं है, कर डालती हैं। ऐसे नल खोल दिया, ये देखो आ गए। बापू, आपका लॉकेट किधर से है? अरे हमारे गले में है। और का कहा गया? माने कि आप अम्मा जी का लॉकेट घुमा दिए। अम्मा जी बहुत नाराज होंगी। मैंने आपका लॉकेट गिरा हुआ देखा। क्या कहा देखा? कहा देखा? भैंस के पास। अब करेगी गोबर है ना? अरे काहे टाइम पास कर रही हो हैं? अरे इतना टाइम तो आजकल लोग वोट देने में भी नहीं लगाते जितना टाइम तुम गोबर देने में लगा रही हो। अगर अम्मा आ गई ना और हमको उसके पहले वो लॉकेट नहीं मिला तो हम अम्मा को क्या गोबर दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? इस गोरी की सेवा करते करते हम लोग काले पड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से जान छूटी है। बुजुर्गों ने कहा है सेवा करने से मेवा मिलता है, लेकिन जब डैडी उस भैंस की सेवा करेंगे ना तो डैडी का सिर्फ गोबर मिलेगा। वो भी बिना लॉकेट वाला। सुनो 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 सुनो, अभी पता चला है कि रेलवे लाइन से जब तूफान एक्सप्रेस गुजरती है तब गोरी का गोबर देने का टाइम होता है, और अभी अभी तूफान एक्सप्रेस गुजरने वाली है। क्या मतलब? क्या तूफान एक्सप्रेस गुजरी, वहां भैंस के गोबर की, और यहां डैडी लॉकेट ढूंढा। और अगर 1% वो लॉकेट नहीं मिला तो हम लोगों को फिर से उस भैंस की सेवा में हाजिर होना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, हमें अब एक नया बहाना ढूंढना पड़ेगा पापा से भैंस की सेवा कराने का। दीदी, मेरे दिमाग में एक आइडिया उछल के आ रहा है जिससे हम भैंस को गोबर करने से रोक सकते हैं। कैसा आइडिया? अरे अरे मिल जा। कहाँ छुपा है लॉकेट? अरे मिल गया। अरे तो फूल है, हमको पीला पीला लगा था, वैसा सोने का लॉकेट लग रहा था। वाह दीदी, गोरी का गोबर भी करा दिया और बापू को पता भी ना चला। वाह, पापा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका लॉकेट गोरी के गोबर में नहीं बल्कि हमारे पास है।